हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय अचीवर्स ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो बच्चों, नाइन्थ का मैथ पार्ट टू का कोऑर्डिनेटरल जो है बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन से डरते हैं। तो जो ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को ऐसा लगता है डिफिकल्ट है उसका मैं, और थोड़ा सा बड़ा है ऐसा मतलब बच्चों को हार्ड लगता है, तो उसका मैं अलग अलग से वीडियो हलवा बना के डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसी कड़ी में एक वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। 5.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है सेवन्थ वाला, मैंने 6 क्वेश्चन को दो अलग अलग पार्ट में डाला है, तो लास्ट का क्वेश्चन जो सेवन्थ है उसको एकदम अलग से डाल रहा हूँ। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इसको और लास्ट तक देखिएगा। एक बार नहीं समझे, डबल दो बार देखिएगा, बार बार पॉज करके देखिए, पर इस क्वेश्चन को सीख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या दिया है। इन फिगर 5.13 पैरेललोग्राम, देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ई इज ऑन साइड ऑन रे ए बी सच दैट बी ई इक्वल्स टू ए बी, प्रूफ दैट लाइन ई डी बाइसेक्ट सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ। अगर आप क्वेश्चन देखते रहेंगे समझा रहेगा, नहीं तो अब देखिए। तो ऐसा आपके सामने डायग्राम होगा टेक्स्ट बुक में, चलो बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, इज व्हाट पैरेललोग्राम, पॉइंट ई इज ऑन रे ए बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ई, जितना ए बी है उतना ही बी ई है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, समझा इतना, यस। प्रूफ दैट, तो बोला है प्रूफ दैट, तो प्रूफ करके दिखाइए कि लाइन ई डी, लाइन ई डी बाइसेक्ट सेगमेंट बी सी ऑन या एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ, समझा। ये अपने को प्रूफ करना, मतलब ये इसको बी सी को बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट एफ पे। बेटा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट मतलब अपने को ये प्रूफ करना है जितना बी एफ है उतना सी एफ है, समझ रहे हो, जितना ये वाला सेगमेंट है उतना ये वाला सेगमेंट है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जितना बी एफ है उतना सी एफ है, ठीक है, अगर ये इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल मतलब क्या, उसको दो इक्वल पार्ट में, ये जो पॉइंट है अगर ये इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है तो ही ना बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपने को यही प्रूफ करना, अगर ये दोनों को हम लोग इक्वल दिखा दिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन ई डी बाइसेक्ट सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ, यही प्रूफ करना है। चलो, तो गिवन क्या करना है, सेवन्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन क्या दिया है लिख लेते हैं, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल A B C D is a parallelogram. Is what? Parallelogram. समझा बच्चों इतना? चल, और क्या दिया है? Point E is on ray A B such that ए बी इक्वल्स टू बी ई, ये गिवेन है, इतना गिवेन है, इतना क्या है, गिवेन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट लाइन ई डी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ, बाइसेक्ट
लाइन ई डी एट पॉइंट एफ। चलो बेटा तो प्रूफ करते हैं, एकदम हलवा सा है। क्या करने वाले हैं, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को लेंगे हम, इसको दिखाएंगे कि ये इसको पैरेलल है, ए बी डी सी को पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज व्हाट पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट भी होता है और क्या होता है पैरेलल, या इसको कॉन्ग्रुएंट भी होगा और पैरेलल भी होगा। अगर ए बी पैरेलल है डी सी को तो ये पूरा है, ए ई भी पैरेलल होगा डी सी को क्योंकि उसी लाइन में है, यस कोलिनियर पॉइंट है, वो लाइन आगे जहां भी जाएगी इसको पैरेलल ही जाएगी, है कि नहीं, अगर यहां पैरेलल है तो आगे भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये इसको पैरेलल है, ये इसका क्या है ट्रांसवर्सल है, तो देखो यार ढिंचैक 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 मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। हमने ये दिखा दिया कि ये और ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब बेटा देखो ये ए बी जो है डी सी को कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है मतलब ये भी इसके इक्वल है, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, दो देखो ये साइड भी इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अंधेरा कायम है ऐसा है तो ऊपर का नीचे का इधर का इधर का कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहां भी ऐसा बन रहा है ना क्रॉस बन रहा है, डमरू बन रहा है ना, देखो क्रॉस बन रहा है तो क्या करने का ऊपर का नीचे का इधर का इधर का कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, समझा ना धीरज, हाँ क्या क्या बोला बता हाँ क्रॉस रहेगा तो क्या होगा ऊपर का नीचे का इधर का उधर का क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, समझ रहा है ना, वेरी गुड। चलो तो अभी हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो बेटा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यहां क्या लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, में शॉर्टकट में लिख रहा हूं आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आर कॉन्ग्रु आर पैरेलल, यहां पैरेलल दिखा रहे हैं, आर पैरेलल कॉन्ग्रुएंट भी होता है और पैरेलल भी, तो ए बी अगर डी सी को पैरेलल है तो पूरा ए भी पैरेलल होगा, यस देयरफॉर ए इज आल्सो पैरेलल टू डी सी, ए इज आल्सो पैरेलल टू व्हाट डी सी, एंड लाइन ई डी इज देयर ट्रांसवर्सल, इज देयर ठीक है, therefore एंगल ए ई डी, ए ई डी देखो क्या बन रहा है यहां पे जेड बन रहा है, therefore एंगल ए ई डी इज congruent टू ये वाला एंगल, इसको congruent होगा ए ई डी इज congruent टू सी डी ई, इज congruent टू सी डी ई, इज congruent टू सी डी ई, यहां आप लिखोगे बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं इसको ए ई डी को बी ई एफ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक ही लाइन में एंगल वही है बस नेम अलग लिख दिया, ठीक है लिख सकते हैं एंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ई को सी डी एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी डी एफ, इक्वेशन नंबर वन, बस इसका रीजन को कोलिनियर पॉइंट है इसलिए मैंने यहां से ले लिया, तो ए टू बी, बी टू ई, ठीक है, और इधर डी टू एफ, एफ टू ई। तो अब देखो एक एक चीज मैंने दिखा दिया, क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूं। चलो अब बेटा ये इसको कॉन्ग्रुएंट भी होगा ना, ये इसको कॉन्ग्रुएंट भी होगा, चलो लिखते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे सेगमेंट AD is congruent to segment DC, क्या आएगा रीजन अपोजिट साइड ऑफ साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साइड क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा. अभी देखो ये इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट क्या इक्वल है, तो हम लोग ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं. तो जहां पर ए डी है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी है, गलती से मैंने ए डी लिख दिया है, ए बी बेटा ये ए बी लिखेंगे ना, गलती से मैंने ए डी लिख दिया था. तो जहां पर ए बी है वहां पे क्या लिख देंगे, बी ई. देयरफॉर सेगमेंट बी ई इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी, मेक इट स्टेटमेंट नंबर टू. ये कहां से आया है, फ्रॉम गिवन. कहां से आया है, फ्रॉम गिवन. तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम गिवन. ठीक है, ये गिवन से आया है तो क्या लिख दिया, स्टेटमेंट टू. अब देखो अब हमको क्या करना है, अगर आपको ये समझ रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये मैंने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि ये ऊपर वाला रीजन है और ये नीचे का रीजन है. तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे और इनको दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट. क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपने एट्थ में भी पढ़ा है, नाइन्थ में भी, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है, तो अब हम इसको दोनों ट्राइंगल को लेंगे. क्या लेंगे, इन ट्राइंगल बी ई एफ एंड ट्राइंगल सी, देखो बी ई एफ और सी डी एफ, सी डी एफ, बी ई एफ एंड सी डी एफ. चल तो पहली बात तो ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं फ्रॉम स्टेटमेंट टू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी. और ये कहां से आया, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू. और मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट है. चलो तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी एफ, सी डी एफ कहां से, फ्रॉम वन. ये कहां पे हमने दिखाया, फ्रॉम वन में. अब देखो यहां पे क्या है, अंधेरा कायम रहेगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट ऊपर का नीचे का. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होता है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट. बी एफ ई तो क्या लिखेंगे बेटा, इधर दिख रहा है बच्चों, चलो तो एंगल बी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखो दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट. तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, सी डी एफ कैसे, दो एंगल है और एक साइड, तो जो दो है उसको किनारे किनारे लिखते हैं, एंगल साइड एंगल टेस्ट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट. तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो ट्राइंगल, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये देखो ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट बी एफ is congruent to segment CF. देखो अब ये congruent है तो equal भी होंगे. Therefore segment BF is equals to segment CF. सर इसका region क्या लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका region क्या आएगा, पहले मैं इसको rough करके आपको region लिख दूं. Corresponding side of congruent triangle CSCT. अगर ये congruent है तो equal भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore सेगमेंट बी एफ, सेगमेंट बी एफ इज इक्वल्स टू सेगमेंट सी एफ. अगर देखो हमने इसको इक्वल शो कर दिया है, सो वी कैन राइट व्हाट, लाइन डी, देखो ई डी इज बाइसेक्ट
सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ. देयरफॉर हम लोग क्या लिखे, देयरफॉर लाइन ए डी बाइसेक्ट सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एफ. एट पॉइंट एफ. तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो बच्चों जो इस चैनल पे आए, आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और आग लगा दो बच्चों. हर एक बच्चों को शेयर करो. बोलो अगर आपको मैथ से डर लगता है तो एक बार सूरज सर का वीडियो देख लीजिए, आपको विद्या से प्यार हो जाएगा. सॉरी विद्या मां से, विद्या से नहीं, विद्या मां से. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.